उत्तराखंड लक्सर क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में आज रोशनाबाद हरिद्वार बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तनवीर भारती ने जनता लोकप्रिय विधायक उमेश कुमार का भव्य स्वागत किया। ये कार्यक्रम नगर पंचायत सुल्तानपुर स्थित आजम भारती व तनवीर भारती एडवोकेट के आवास पर जनता ने किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तनवीर भारती व संपूर्ण भारती टीम ने विधायक उमेश कुमार का ढोल नगाड़ों एवं फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। आजम भारती और सुहेल भारती, परवेज भारती, इनसे परवेज भारती, इन लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उनसे तो मैं आज दूसरी बार मिल रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। हमारे सुलेमान भाई भी हैं और हमारे बाकी साथी भी हैं, फरीद भाई भी यहीं थे, सभी लोग यहाँ पर हैं। और मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुल्तानपुर में एक सुल्तान जैसी इज्जत दी, इसके लिए मैं आपका आभार हूँ। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। भ्रष्टाचारों को उखाड़ के फेंक देना है जी, भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंक देना है। और वो हरिद्वार चाहिए कि ब्लॉक में बीडीओ आने वाले बुजुर्ग किसान का खड़े होके सम्मान करे, तहसीलदार खड़े होके सम्मान करे, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान करें, और नहीं करें तो इनकी उंगलियां तोड़कर इनके हाथ लगा देनी चाहिए। उमेश कुमार जी युवाओं के प्रेरणा और हकीकत में सच्ची राजनीति करने वाले, युवाओं के दिलों की धड़कन, जो हरिद्वार की आवाज सर्वोपरि और बुलंदी पर उन्होंने रखी है और आज हमारे आवाज पर यहाँ पर आए, मैंने और हमारे क्षेत्र के युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय उमेश कुमार जी यहाँ से विजय होकर जाएंगे और उनसे जनता की काफी उम्मीदें हैं, युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि गरीब अमीर और जो हमारे एजुकेशन की ओर ले जाने वाले उमेश कुमार जी और जनता के हर दुख सुख में खड़े रहने वाले उमेश कुमार जी, मैं उनका और उनसे प्रेरित होकर मुझे भी लग रहा है कि आदरणीय उमेश कुमार जी यहाँ के भविष्य है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।